आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य की ऑफिसर्स, भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।